हेलो फ्रेंड्स, आज मैं छोटी मछली की एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं पालक के पत्तों के साथ बनाऊंगी। ये पत्ते जो पालक के पत्ते हैं ये मैंने छत में खुद उगाए हैं और देख सकते हैं छोटी मछली बिल्कुल ताज़े और फ्रेश है, क्योंकि इनको देखकर ही आपको पता चल जाएगा। इनकी आँख एकदम चमकदार है, शरीर भी इनका एकदम चमक रहा है, तो यही एक इंडिकेशन है कि ये एकदम बिल्कुल फ्रेश है। और छोटी मछली हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो चलिए देखते हैं इसको हमको साफ़ कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसके कान जो है वो साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे बहुत मिट्टी होती है। और जब कान साफ़ कर रहे हैं तो देख सकते हैं ये एकदम बिल्कुल लाल है ये कान, और यही बताता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता चल जाएगा कि मछली फ्रेश है कि नहीं। तो बहुतों को इसको साफ़ करना नहीं आता है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से दिखा रही हूँ कि साफ़ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको कान को साफ़ कर लेना है, और उसके बाद जो उसका जो पेट है उसको भी अपनी उंगली की सहायता से आप दबा दीजिए, और उसका जो अंदर का जो भी इंटेस्टाइन है वो भी बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार आप सारी मछलियों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इसको पानी से हम अच्छे से कम 6-7-8 बार धोएंगे, क्योंकि इसमें कानों में मिट्टी होती है तो हमको अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है छोटी मछली को साफ़ करने में, लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक होती हैं, बहुत ही टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती हैं ये। तो अभी मैं इनको धो लूँगी अच्छे से, और धोने के बाद मैं इनमें नमक और हल्दी लगा दूँगी। नमक और हल्दी लगाने के बाद इसको चाहे तो आप 10-15 मिनट रख दीजिए, या तुरंत ही आप इसको फ्राई करके बना सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें नमक और हल्दी लगा लिया है, 1 चम्मच नमक डाला है, और साथ ही साथ मैंने 1/2 चम्मच करीब हल्दी इसमें ऐड किया है। अब मैं इनको बनाऊंगी पालक के पत्ते और सूखा साग के साथ। तो ये एक पालक, जो पालक है ये है खट्टा साग, इसको हम सूखा साग बोलते हैं, और ये है पालक जो मैं छत से लेकर आई हूँ। तो इनको मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैंने कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, जब तक धुआं ना आ जाए, उसके बाद हम फिश को इसमें छोड़ेंगे। मछलियों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसको उठा लेंगे, और बहुत ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना है मछली। और जब तेल में मछली को हम डालेंगे, अगर ये फ्रेश है तो कभी भी नहीं टूटेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए कि आपका मछली फ्रेश है कि नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मछली इंटैक्ट है, बिल्कुल टाइट है, एक भी मछली इसमें आपको करची हिलाने से भी नहीं टूटेगा। तो इसको ओवर फ्राई नहीं करना है, 1-2 बार अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करके इसको हम मछलियों को उठा लेंगे। अच्छा, फ़िश करी बनाने के लिए मैंने 1 अनियन लिया है, 1 हरी मिर्ची ली है, और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक और 2 लहसुन। तो अभी मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को हमाम दस्ता में पीस लूँगी, जब तक मेरी मछली यहाँ फ्राई होते रहेंगे। अब ऑलमोस्ट हो चुका है मछली, अब इसको मैं उठा लूँगी, और इस जो तेल बच जाएगा, बाकी के मछली भी इसी तेल में फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद अंत में जो थोड़ा सा तेल बच जाएगा उसी में मैं अपना फ़िश करी बनाऊँगी। तो देख सकते हैं मछली एकदम लाल हो गए हैं, अभी इसी वक्त हम इसको धीरे से उठा लेंगे, और जो बाकी का तेल है उसमें हम जो बाकी के जो बैचेस हैं उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसमें पंचफूरन जो होता है, 5 फूरन बोलते हैं हम, उसमें थोड़ा सा मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून करीब, और 1 प्याज मीडियम साइज़ का अनियन मैंने इसको काट के डाल दिया है। अब इसको मैं इसी तेल में फ्राई करूँगी, और थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद इसमें जो मैंने दरदरा पीस लिया था अदरक, लहसुन और मिर्ची, 2 लहसुन और 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 1 हरी मिर्ची को मैंने रफली चॉप पीस लिया है, और इसको मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े पानी के साथ। इसको भी अच्छे से भून लूंगी, और भुनने के बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी हम उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, ना ही गरम मसाला, ना जीरा पाउडर, ना धनिया पाउडर। ये बिल्कुल प्लेन और सिंपल बनता है बहुत ही कम मसालों के साथ, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी होता है ये। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, वापस से मैं अच्छे से हिला लूँगी। हिलाने के बाद जब थोड़ा पक जाए ये, प्याज को एकदम काला लाल ऐसा नहीं करना है, हल्का सा भुन जाए वही काफ़ी है। अब जो मैंने साग काट लिया था
काट के इसमें मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी। और क्योंकि इसमें नमक ऐड है तो ये साग डालते ही बिल्कुल कम हो जाएगा, पानी छोड़ देगा। जब अच्छे से ये गल जाए साग तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ये फिश करी बना रहे हैं तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अभी अगर आपका ये साग नहीं पक रहा है तो थोड़ा देर आप 2 मिनट तक ढककर भी पका सकते हैं। साथ के साथ कम हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है ये। और साग हमको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस एक मुट्ठी भर साग हमको पालक और एक मुट्ठी भर सूखा साग यूज़ करना है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी मैंने तकरीबन आधा लीटर डाला है। अब इसको मैं एक उबाल आने के लिए छोड़ दूँगी। मछली हम पानी में उबाल आने के बाद ही डालेंगे, ठंडे पानी में अगर मछली हम डाल देंगे तो मछली टूट जाता है। तो हमेशा पानी को पहले डालने के बाद उसको एक उबाल आने दीजिए, उबाल आने के बाद ही, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी मछली, उसके बाद ही आप इसमें ऐड कीजिएगा। अभी अच्छे से उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद जो मैंने मछली फ्राई की थी, सारी नहीं थोड़ी बहुत मछली मैंने इसमें डाल दिया है। 250 ग्राम करीब मछली थी तो मैंने 100 ग्राम करीब मछली इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं वापस से एक बार ढक दूँगी और ढक कर इसमें एक उबाल आने दूँगी। तो जो करी है वो मछली के अंदर उसका जो रस है वो भी आ जाएगा। और बस बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। असम में तो ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, असम में बहुत ही कम मसाले खाए जाते हैं। साग जो ग्रीन चीज़ है, हरी साग सब्जी, वो ज़्यादा खाया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हमारा फ़िश करी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसको गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।